पार्टियों के साथ बिहार विधानसभा माफ करेंगे यूपी में वो गठबंधन करेंगे, क्या इस तरह की आपकी मंशा है? ऑफर आएगा तो स्वीकार करेंगे? नहीं देखिए, हम बिहार में एनडीए के साथ हैं और उत्तर प्रदेश में हमने अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है और हमारी पार्टी मजबूती से उत्तर प्रदेश के 403 सीट पे तैयारी कर रहे हैं। अभी ऐसी कोई बात नहीं है और हम वहाँ पे अपने पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। जदयू भी चुनाव लड़ रही है, उनके साथ हुई है? अभी तो फिलहाल हम अकेले तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसमें दीपावली के आसपास में अक्टूबर नवंबर में एक बार पुनः हम लोग पार्टी के सभी पदाधिकारी के साथ बैठकर एक बार चर्चा करेंगे, विचार करेंगे और सामाजिक न्याय के साथ लड़ने वाले लोग, जो सामाजिक धारा को आगे पहुंचाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ आने वाले समय में सोचा जा सकता है। निश्चित तौर पर ये सोचने वाला यही सोचेंगे भी और सच ये भी है कि जिस तरीके से सरकार ने जो निर्णय लिया था वो कहीं से सही नहीं था। एक पूर्व सांसद दो बार सांसद रही और उनको उन्होंने संघर्ष करके वहाँ तक पहुँचा, चंबल से लेकर विधान लोकसभा तक पहुँचा और वो माननीय सांसद बने दो बार और उसके बावजूद भी ऐसे प्रतिमा नहीं लगने देना और जाति विशेष के दबाव पे जाकर, तो ये मुझे लगता कि सरकार का अच्छा पहल नहीं था उस समय में। इसलिए हम लोगों ने फूलन देवी को हमेशा मानते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि हमारे विचारों में, हमारे संघर्षों में फूलन देवी अभी भी जिंदा है और उनको लेके हम लोग चलेंगे, क्योंकि उनका हमेशा विचार था कि समाज को एकजुट करें, समाज को आगे पहुंचाए और वही काम हम लोग भी कर रहे हैं। सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है आपकी? अगर अकेले आप लड़ते हैं तो कितने सीटों पर लड़ने की तैयारी हो रही है आपकी? हम 165 सीट को चिन्हित किए हैं, 165 सीट पर हम लोग लड़ेंगे और बाकी सीट पर हम सामाजिक न्याय के साथ जो लोग लड़ेंगे उनको हम लोग मदद करेंगे। बिहार की बीजेपी समाजवादी नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगा तो उत्तर प्रदेश में आप समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे? नहीं, हमारे सामान्य विचारधारा के साथ जो लोग चलेंगे वहाँ पे, तो हमारा एक लड़ाई है ना कि निषाद समाज को आरक्षण दिलाना, ये लड़ाई हम लोग बिहार से 2014 से ही चालू किया और हमें पूरा ताकत लगा के दिल्ली तक पहुँचना है और इसके लिए हम लोग पार्टी पूरे भारत में विस्तार कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हमारे आरक्षण अगर लागू कर देंगे केंद्र सरकार, तो निश्चित तौर पे उनको हम बेगर शर्त और बेगर कंडीशन को मदद करने के लिए तैयार होंगे। तो हमारी तो जो लड़ाई है उस लड़ाई के साथ हम लोग चल रहे हैं, हमारी लड़ाई में जो लोग साथ देंगे उनके साथ हम लोग रह सकते हैं। नहीं नहीं, एक बात सही मुझे जी कि यूपी में जिस तरह से आपको रोका गया, फूलन देवी की प्रतिमा नहीं लगाई दी गई, तो ऐसे में क्या संभावना फिर से बन सकता है? आप बहुत बोल रहे हैं कि बीजेपी के साथ आप चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते हैं?